हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल द बैंकिंग एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। तो मैं अभी आरआरबी पीओ का एग्जाम एनालिसिस करने जा रहा हूं। मेरा फास्ट शिफ्ट था 21 अगस्त को, और अब मैं यहां पे दो क्वांट एंड रीजनिंग की दुकान में मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे 53, ठीक है। और मैंने क्वांट में अटैम्प्ट किए हैं 26 और रीजनिंग में 27 अटैम्प्ट किए। क्वेश्चन क्वांट में था ईजी टू मॉडरेट, मुझे लगा इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। रीजनिंग में भी वैसे ही मॉडरेट क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में थे 5 इनइक्वालिटीज, 5 थे, इजी क्वेश्चन थे 5 इनइक्वालिटीज के, 5 सिलॉक्स था, 5 5 10 चला गया, चाइनीज कोडिंग नहीं आया था, और पजल 2 रो पजल था एक, मतलब 6 6 12 12 आदमी बैठने का वो एक पजल था 5 क्वेश्चन से एक, और अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल का एक क्वेश्चन था, बहुत सारे 3 क्वेश्चन थे उसमें अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल का, और 3 क्वेश्चन थे अनसर्टन पीपल चले गए, और बाकी 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के, 3 क्वेश्चन आए थे, और एक टेबुलर पजल आया था जिसमें कि ये आया था कि डेट और टाइम था, 4 महीने 8 बच्चे थे, उनका शायद डेट ऑफ बर्थ दिया था कि ऐसा कुछ था, वो एक 5 क्वेश्चन 5 नंबर का एक पजल था, बस इतना ही था। और बाकी क्वांट में बात करें तो क्वांट में 5 रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से 3 ही बना पाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, 5 5 5 15, और कैसलेट एक आया था, ग्राफ बेस्ड डीआईए का आया था, और एक आया था 5 नंबर का टेबुलर डीआई, और बाकी आप जो भी थे इसके थे किसके, अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक का क्वेश्चन की बात करूँ तो अरिथमेटिक का मतलब इजी क्वेश्चन आए थे, मतलब आप क्वेश्चन देख के ही आंसर, मतलब बिना कुछ पेन पेपर लिए आप सॉल्व कर सकते हो अरिथमेटिक के, और ये भी इजी थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी थे, रॉन्ग नंबर मैंने 3 ही बना पाए, और अप्रोक्सीमेशन के भी इजी क्वेश्चन थे, कैसलेट मैंने छोड़ दिया, और ये तो भी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं। मैंने टोटल 26 अटेम्प्ट्स किए इसमें, और रीजनिंग में मैंने टोटल 27 अटेम्प्ट्स किए। अगर अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो 53 अटेम्प्ट्स मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि एवरेज है, बहुत ही कम है अगर आप बोलें, क्योंकि मैंने साइड में एक भैया को पूछा, उन्होंने बोला कि वो 58 अटेम्प्ट्स किए, और दूसरे साइड पर पूछा तो उन्होंने किया कि 62 अटेम्प्ट्स किए, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरे अटेम्प्ट्स बहुत ही कम है। आपका कितना अटेम्प्ट्स है आप जरूर कमेंट में बताइए। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से, यहाँ से तो 53 अटेम्प्ट करके कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप लोगों का कैसा एग्जाम्स गया, और आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और आपको अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय जगन्नाथ।